बोवी और स्पीड लो के बीच रेस हुई। बोवी ने अपनी सारी एनर्जी यूज कर ली और स्पीड लो को हरा दिया। अब फाइनल रेस शुरू होने वाली है। फाइनल रेस रॉय और स्पीड ड्रैगन के बीच होगी। फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने वाला पहला कौन सा रेसर होगा, जानने के लिए देखते रहिए। कैमरास रेडी हैं। आज बहुत बड़ा दिन है। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी रेस का फाइनल देखेंगे। इतने दिनों की लड़ाई के बाद आज फाइनल की आखिरी रेस की घड़ी आ गई है। इस मोमेंट को यादगार बनाने के लिए रेसिंग कमेटी ने इस ट्रैक को एक नया चेहरा दिया है। आज का दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आप कभी भूल नहीं पाएंगे ये दिन। मुझे यकीन नहीं होता हम फाइनल में पहुंच गए। यहाँ सिर्फ एक ही बेस्ट टीम पहुंच सकती है और उसे देखने के लिए मैं काफी उत्साहित हो रहा हूँ। मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यकीन नहीं होता, इतनी कम उम्र में रॉय बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर फाइनल तक पहुँच गया। कीप इट अप रॉय, तुम जरूर आगे जाओगे। क्योंकि टीम ऑफ ग्लोरी और द डेविल फाइटर्स के बीच टाई हुआ है, इसलिए आज की रेस फाइनल होगी और आज ही ये डिसाइड होगा कि चैंपियन कौन बनेगा। प्लीज हमारे रेसर्स का स्वागत कीजिए, रॉय और स्पीड ड्रैगन। ये पल कितना खास है, प्लीज दोनों रेसर्स हाथ मिलाएं। एक बार फिर से बोलता हूँ, दोस्ती से प्यार बढ़ता है। जैसा कि कहा गया है, प्यार दोस्ती है और दोस्ती प्यार है। स्पीड ड्रैगन कितना अहंकारी है। ये उसका स्टाइल है। इरिटेटिंग। क्या वो उसका? ये उसका जजमेंट कॉइन है। मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरे रूल्स पता है। हेड मतलब मैं हारूंगा और टेल मतलब कि तुम रेस से विड्रॉ करोगे। चलो जल्दी, कोई एक चुनो। हेडर पोक, क्या तुम्हें डर लग रहा है? चलो मैं तुम्हारे लिए चुनता हूँ। आज वो हार जाएगा। आज ना जाने क्या होने वाला है। इसका क्या मतलब है? मैं बीच का चुनता हूँ। आज मैं तुम्हें हराऊंगा। रॉय, कीप इट अप। ठीक है, मैं तुम्हें रेसिंग सीन से गायब कर दूंगा। रेसिंग कमेटी ने फाइनल्स के लिए एक नया ट्रैक तैयार किया है। वो देखना चाहते हैं कि रेसर्स इस नए ट्रैक को कितनी अच्छी तरह अडॉप्ट कर सकते हैं। रॉय आज पहले से काफी अच्छा लग रहा है। उसकी आज की परफॉर्मेंस काफी अच्छी होनी चाहिए। मुझे बस उसकी चिंता है। मैं आज बेहद एक्साइटेड हूँ। दिल जोरों से धड़क रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी आंखें खुली रखिए और इस खूबसूरत पल को मिस मत होने दीजिए। गेट रेडी। 5, 4, 3, मैं हार नहीं मानूंगा। 2, कीप इट अप रॉय। 1, गो। ये बहुत फास्ट है। चलो, भागने की कोशिश भी मत करना। ये अब काफी तेज चला रहा है। मैं इसे पकड़ नहीं पा रहा हूं। मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है। द पावर रेक्स इतना सिंपल भी नहीं है। वो बिना किसी एफर्ट के साथ रॉय से आगे जा रहा है। अभी तो रेस शुरू हुआ है, आगे देखते हैं। द फ्लेमिंग लायन की पावर भी तुम्हारी कार जैसी है। पहले कर्व आ रहा है। रेसर्स इसके साथ कैसे डील करेंगे? कीप इट अप रॉय। अगर उसने अपनी स्पीड मेंटेन की तो रॉय से आगे निकल सकता है। हे बच्चे, तुम यहाँ हो। तुम मुझे पास करना चाहते हो? अब मेरी अटैक का पावर देखो। तुम्हारी टाइटाई फिश होने वाली है। मैं इतनी जगह में उससे पास कर सकता हूँ। रॉय, ध्यान से। डैम, वो गंदी ट्रिक्स यूज कर रहा है। ड्रीम ऑन, यू स्टूपिड इडियट। जंगल पास आने वाला है। यहाँ पर दो ट्रैप्स हैं, द जंगल ट्रैप और द मूविंग लॉक्स। यहाँ काफी बीस्ट भी आते हैं, इसलिए यहाँ उनके पकड़ने के लिए बहुत सारे ट्रैप्स हैं। वो या तो पत्तों से ढके हैं या टहनियों से। रेसर को इस जोन में बहुत ध्यान रखना होगा, वरना वो बुरी तरह फंस जाएंगे। द पावर रेक्स ने पहले यू शेप स्लो पर अपनी स्पीड बढ़ाई। स्पीड इट्स फुल ऑफ पावर। द फ्लेमिंग लायन भी अपने पहले यू शेप स्लो पर है। ट्रैप्स कहाँ हैं? मैं कुछ नहीं जानता। ये लड़का बहुत तेज है। यहाँ काफी ट्रैप्स है, इसे यहाँ थोड़ी देर तक रहने देता हूँ। इसकी चाल तो बहुत बेहतरीन है। ओह क्या नजारा है दोस्तों। हाँ वो वापस पास आ रहा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। डैम। रॉय ध्यान से। स्पीड ड्रैगन ने यहाँ पर जाल बिछाया है। उसे अपने ब्लैक होल की पावर यूज करने के लिए कहा था। वो टेटली डेस्ट्रोम भी बना रहा है। ध्यान रख के रॉय, कीप इट अप। मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कहाँ जा रहा हूँ? माय गॉड, सैंडस्टॉर्म की वजह से रॉय को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कहाँ जा रहा है। मैं जमीन में गड़ रहा हूँ, मुझे बाहर आना होगा, कुछ तो करना ही होगा। तुम बताओ अब इससे क्या करना चाहिए? मैं हार नहीं मानूंगा। स्पीड अप। द फ्लेमिंग लैंड ने अपने आप को ट्रैप से बचा लिया। रॉय अब ठीक है। कितना अच्छा होता अगर मैं रॉय के साथ होता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रॉय इतना अच्छा करेगा। ये उसके लिए सीखने का अच्छा मौका है और वो इसी तरह से सीख सकता है कि कैसे ड्राइविंग की जाती है। मैं उसे हर बार तो सिखा नहीं सकता, पर मेरा आशीर्वाद उसके साथ हमेशा रहेगा। स्पीड ड्रैगन ने मुझे ब्लैक होल में गिराने के लिए कितनी गंदी चाल चली है। द मूविंग लॉक्स आने वाले हैं। ये लॉक्स कंप्यूटर से मूव किए जाते हैं। ये हर 5 सेकंड में अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो उसे चोट लग सकती है। द मूविंग लॉक्स एक रेसर के एबिलिटी को टेस्ट करता है। उसे स्पीड से भी कुछ ज्यादा करना होगा। जब लॉक अपनी जगह बदलेंगे तब कार का सही ट्रैक पर होना बेहद जरूरी होता है। दोनों कार्स एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं। कौन यहाँ से पहले बाहर निकलेगा? बस मुझे ध्यान रखना है और मैं ये जान लूंगा कि ये लोग किस पैटर्न में मूव कर रहे हैं। अगर तुम जरा भी हिचकिचाते तो तुम क्रैश हो सकते थे। स्पीड ड्रैगन उससे काफी तेज है, काफी तेज। शो तो बाद में शुरू होगा। तुम्हें मुझे पकड़ने से पहले बहुत मेहनत करनी होगी। माउंटेन का आधा हिस्सा पास करने के बाद वो वेट आइस ट्रैक पर पहुंच जाएंगे। इस ट्रैक पर 2 स्टेजेस हैं, द रिवर्स वाटरफॉल और द आइस ब्रिज। ट्रैक बर्फ की मोटी परत से कवर किया हुआ है। ये बहुत खतरनाक है। आइस ट्रैक पर अच्छे रेसर को बेहद अच्छा कंट्रोल और स्पीड रखनी होगी। ये स्पीड ड्रैगन का फेवरेट ट्रैक है। शो अब शुरू होने वाला है। यही उसे पास करने का एक सबसे अच्छा तरीका है। स्पीड ड्रैगन, तुम जब बहुत छोटे थे तब से पाला है तुमको। मेरे पैसे बर्बाद मत करना, उसे खत्म कर दो। बिल्कुल मिस्टर ताज। रेस हारने का नतीजा तुम जानते हो। जानता हूँ मिस्टर ताज। वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, मैं उसे इस कर्व से पास कर सकता हूँ। यही स्पीड बढ़ानी होगी। अरे नहीं, अब ये क्या है? वो स्केल्स टायर्स है। वो स्नो पर फ्रिक्शन का काम करते हैं। वो ट्रैक की आइस को भी हटाते हैं और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। मैं उसे जीतने नहीं दे सकता। मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। गैप को कम करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है पावर अप। रॉय, तुम्हें जीतना ही होगा, तुम्हें उसे पकड़ना ही होगा। स्पीड ड्रैगन की स्पीड बढ़ाओ और तुम्हें ये जीतना है, बस इतना ही याद रखना। राइट दैट स्पीड ड्रैगन, मैं तुम सब आगे जाऊंगा। तुम अपना डायरेक्शन लूज कर दोगे अगर तुमने अपना पावर अप ऑन किया तो। छोड़ो, अब ये देखो, अटैक, फ्रीज अटैक। रॉय रॉय स्लो डाउन। ये कैसे हुआ? मुझे पता नहीं था। ओह नो, मेरे पीछे की व्हील जम चुकी है। शिट्स, खाली आगे की व्हील चल रही है। अरे यार, इट्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल। उसके पीछे के पहिए फ्रीज हो गए हैं, कार स्लो हो गई है और उसका बैलेंस सिस्टम अनस्टेबल हो गया है। तुम्हें यहीं रुकना चाहिए रॉय। अब शो देखने का टाइम हो गया है। कर्व को आगे से पास करने के बाद वो रिवर्स वाटरफॉल में पहुंच जाएंगे। वो एक उल्टा पुल्टा वाटरफॉल है। वो जमीन से 60 डिग्री एंगल पर है। वो 60 सेकंड्स के लिए फ्रीज होता है और फिर पिघल जाता है। फिर वो 5 सेकंड के लिए पिघला हुआ रहेगा और फिर 60 सेकंड में फिर से फ्रीज हो जाएगा। रेसर के पास सिर्फ 60 सेकंड्स हैं उसे पास करने के लिए, वरना वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। रॉय, अब तुम्हारी खैर नहीं। स्पीड ड्रैगन, तुम धीमे क्यों हो रहे हो? धीमे नहीं। अरे, ये स्पीड ड्रैगन अचानक से स्लो क्यों हो गया? शट अप, उसके पास कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। वो मुझे पास करने क्यों नहीं दे रहा है? ठीक है, तो मैं इस मौके का फायदा उठाता हूँ। क्या वो रॉय के साथ? हाँ, वो रॉय के साथ कोई ना कोई तो चाल चल रहा है। फ्रीज अटैक। ओह नो, मैं गिर रहा हूँ। हाँ, ये वैली कितनी डीप है। रॉय, ध्यान से। क्या रॉय वैली में अब गिरने वाला है? डिफ्रोस्ट होने के लिए अब 3 सेकंड है, 2 सेकंड, 1 सेकंड। स्पीड बढ़ाओ। ये बहुत ही करीब था। क्या वो इतना करीब था? स्पीड ड्रैगन, द फ्लेमिंग लायन, पावर अप। स्पीड ड्रैगन, तुम क्या कर रहे हो? हमें हर हाल में जीतना है। मैं उससे खत्म कर दूंगा। अगला है द आइस ब्रिज। ये 2 क्लिफ्स के बीचों बीच है। अब बस यही एक रास्ता है, लेकिन ब्रिज 120 सेकंड तक फ्रोजन रहेगा। उसके बाद वो 10 सेकंड के लिए मेल्ट हो जाएगा। अगर रेस कार वैली में गिर गई तो ग्लेशियर उसे फिर से शुरुआत में आइस ट्रैक पे ले आएगा। ओह नो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। जल्दी बाहर जाओ, आइस ब्रिज मेल्ट होने वाला है। मैं आइस पर अच्छी तरह नहीं चल पा रहा हूँ। मैं इतने कम समय पे स्पीड नहीं बढ़ा सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। स्पीड अप। स्पीड ड्रैगन स्पीड बढ़ा रहा है। मुझे पता है कि क्या करना है। रॉय, वहाँ से बाहर निकलो। आइस ब्रिज क्रॉस करने के लिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आइस ब्रिज कभी भी गिर सकता है। कम ऑन स्पीड ड्रैगन, डायरेक्शन चेंज करने का वक्त आ गया। क्या रॉय ने स्पीड ड्रैगन को इस्तेमाल किया? रॉय, मैं अभी तुम्हें इसी वक्त बर्बाद कर दूंगा। हाथ के बदले हाथ। आइस ब्रिज तो अब गिरने वाला है। दोनों कार वैली में गिर सकती है। तुम एक बच्चे को भी हरा नहीं सकते। कितनी शर्म की बात है। 3 कर्व्स के बाद फाइनल स्ट्रेट अवे आने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी आंखें खोलिए और ये खूबसूरत नजारा देखिए। वहीं रुको और मैं तुम्हें हरा दूंगा। मुझे ब्लेम मत करना, ये सब तुमने शुरू किया है। फ्रीज अटैक। मैं जानता था तुम यही करोगे। फ्लाइंग स्वॉर्ड्स। बहुत अच्छे रॉय, तुम बस जीतने ही वाले हो। स्पीड ड्रैगन, अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? सिर्फ 3 कर्व्स बाकी है। ये बहुत इरिटेटिंग है। मैं बस हर बार खुद को बचाने नहीं रह सकता। तुम मुझे अटैक करने के लिए मजबूर कर रहे हो। रॉय अपनी पूरी पावर इकट्ठी कर रहा है। वो स्पीड ड्रैगन पर आखिरी अटैक करके उसे हराने वाला है। क्या वो अटैक करने वाला है? काफी सारी रेसेस में मैंने रॉय के अटैक देखे हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक स्नेक ने अटैक का शॉक अब्सॉर्ब कर लिया है, पर उसका फोर्स बहुत ही खतरनाक है। फाइनली वो अटैक करने जा रहा है। ठीक है, ब्रिंग इट ऑन। कम ऑन स्पीड ड्रैगन, अटैक द रोरिंग लायन। ड्रैगन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये गोल्डन ऑर्ब फ्लेमिंग लायन का वेपन है। इस अटैक का फोर्स अपने ओपोनेंट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरफेयर करता है। सभी लोग इससे बचकर नहीं निकल सकते। ये तो गया, ये तो खत्म हो जाएगा। शट अप, बकवास बंद करो। अब डिफेंस करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं, तुम बाकी बचे हो। ये देखो, फ्रीजिंग शोवेल। ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे अटैक से कोई अब तक बच नहीं पाया है। सबने देखो बच्चे, स्पीड ड्रैगन ने अटैक के दौरान अपना ऑपरेटिंग सिस्टम स्विच ऑफ कर दिया है, इसलिए वो अटैक से बच पाएगा, पर अब उसकी खैर नहीं। द पावर रेक्स ने फ्रीजिंग शॉवल का इस्तेमाल किया ताकि वो हवा में आइस स्ट्राइक बना सके। ये रहा मेरा सीक्रेट, स्पीड अप, पावर अप। क्या वो और एक अटैक करने वाला है? टर्बो बूस्ट। बेवकूफ लड़के, अब मेरा वार देखो। दोनों कार्स ही बेहद तेज स्पीड में जा रही हैं। मैं बयान नहीं कर सकता कि क्या हो रहा है। रॉय कीप इट अप। रॉय, अपना सीक्रेट वेपन यूज करो। स्पीड ड्रैगन, द फायर मेगा व्हील। अरे नहीं, ये तो इसका सीक्रेट वेपन है। सीक्रेट, हमारे पास भी विनर है। बहुत अच्छे स्पीड ड्रैगन। पावर रेस लीड कर रही है। कौन जीतने वाला है? रेस अभी खत्म नहीं हुई है, मुझे स्पीड और बढ़ानी होगी। अल्टीमेट बूस्ट। ये क्या है ये? बहुत अच्छे। क्या ये टाई तो नहीं होगा ना? कितनी भयानक स्पीड है। क्या शॉकिंग फोर्स है ये? यकीन नहीं होता, ये टाई है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। कितना शॉकिंग फोर्स है ये, मैं भी कुछ सरप्राइज हो गया। कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि वो एक टाई ब्रेकर रेस रखेंगे। वो इसकी डिटेल्स डिस्कस करेंगे और बाद में अपना फैसला सुनाएंगे। सभी लोग टाई ब्रेकर रेस की तैयारी में लग जाते हैं। क्या बोवी ठीक हो पाएगा? जैक गैलेक्सी को ढूंढते हुए आता है। उसे अब क्या चाहिए? अब उसका कौन सा गलत इरादा है?